दतिया में न्यू कलेक्ट्रेट में भूकंप से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल कर अपने रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। प्राकृतिक आपदा के समय बचाव एवं कम से कम जनहानि और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर यह मॉक ड्रिल अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मोरे की मौजूदगी में की गई। एनडीआरएफ गाजियाबाद के 8वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट नीरज सिंह एवं उपनिरीक्षक नवीन कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा मॉक ड्रिल का प्रदर्शन कर प्राकृतिक आपदा के रूप में भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां एवं भूकंप के बाद किए जाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन का भी प्रदर्शन किया। भूकंप के दौरान किस प्रकार से जीवन का बचाव किया जा सकता है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य में प्रयुक्त तो होने वाले उपकरण एवं मकानों की कटिंग कर लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला सलाहकार आपदा प्रबंधन अनुराग पचौरी एवं होमगार्ड कमांडेंट जितेंद्र त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। आपदाओं का पहले भी पता नहीं रहता, इसके लिए जरूरी होता है कि कलेक्ट्रेट में काम करने वाले सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें तैयार हों। कभी भी ऐसी आपदा होती है तो उसका बचाव किस तरह करेंगे, इसके लिए आज हमें एनडीआरएफ को बुलाया गया था और उन्हें यहाँ एक मॉडल की उसे कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी आपदा के समय कैसे राहत और बचाव करेंगे उसके बारे में सीखी। तत्काल एनडीआरएफ को बुलाया गया और उन्होंने आके यहाँ पे राहत बचाव के कार्य किए जिससे तमाम लोग जो हमारे थे वो अपनी जान गंवाने से बच गए। एनडीआरएफ को बहुत बहुत धन्यवाद। दतिया से रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट।